क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है और समुद्र का जन्म कैसे हुआ? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12, शुक्र ग्रह पर एक दिन हमारे पृथ्वी के एक साल से भी बड़ा होता है। मतलब कि शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर घूमने में जितना समय लगता है उतना समय है में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। फैक्ट नंबर 11, धरती की सबसे भयंकर सुनामी 1958 में अलास्का में आई थी। यह इतनी ताकतवर थी कि पानी की लहरें 1720 फीट ऊंचे तक उठी थी, मतलब कुतुब मीनार से भी 7 गुना ऊंची। फैक्ट नंबर 10, यदि हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक विशाल शीशा लगा दें और फिर टेलीस्कोप से उस शीशे में देखें तो सिद्धांत के हिसाब से हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 9, आईफिल टावर पर जो पेंट किया हुआ है उस पेंट का वजन 10 हाथियों जितना है, लगभग 60 टन वजन सिर्फ पेंट का है। फैक्ट नंबर 8, बुर्ज खलीफा को पहले बुर्ज दुबई कहा जाता था, बाद में यहां के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहान के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7, ग्रीनलैंड के नाम से सबको लगता है कि यहाँ पर बहुत हरियाली होगी, लेकिन आपको बता दें ग्रीनलैंड का 85% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जाए जिसकी गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, तब भी मिल्की वे को पार करने में हमें 2,00,000 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस शहर में लखनऊ जिले और लखनऊ मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय भी स्थित हैं। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकता और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, भारत कभी एशिया का हिस्सा नहीं था। यह करीब 55 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर एशिया से टकराया था। भारत आज भी 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, समुद्र के पानी में नमक होता है और अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्र सूख जाएं तो उनमें इतना नमक निकलेगा कि उससे पूरी पृथ्वी पर करीब 500 फीट मोटी नमक की परत बिछाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मांस है जो कि मंगल पर स्थित है। ओलंपस मांस 25 किलोमीटर ऊंचा है जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। फैक्ट नंबर 1, समुद्र का जन्म कैसे हुआ? समुद्र का नाम सुनकर हमारे दिमाग में विशालकाय नदी दिखाई देने लगती है। समुद्र को हम हिंदी में सागर, सिंधु जैसे कई नामों से जानते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के भी बराबर नहीं है। धरती के 70% हिस्से में जल है तो वहीं 20-25% हिस्से में मानव जीवन और बाकी के हिस्से में रेगिस्तान, पहाड़ियाँ और जंगल हैं। धरती पर इतना बड़ा समुद्र है कि इंसान अभी तक संपूर्ण समुद्र नहीं देख पाया है। समुद्र का पानी खारा होता है जिसके चलते यह पानी पीने लायक नहीं होता। हालांकि कुछ समुद्रों का पानी मीठा भी होता है लेकिन यह पानी भी पीने लायक नहीं होता। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि प्रत्येक सागर के जन्म की गाथा अलग अलग है, पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्सों के खिसकने से सागर बना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की उत्पत्ति आज से करीब 50 करोड़ से 1,000 करोड़ साल पहले हुई थी। धरती के विशालकाय गड्ढे कैसे भरे यह जानना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक यही चलता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये बड़े गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। अब बात करते हैं कि समुद्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। सबसे पहले तो समुद्र कहाँ से शुरू होता है यह जानना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, समुद्र कई देशों के बीचों बीच बसा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो समुद्र की किसी देश के शहर के छोर से शुरू होता है और भारत के उस शहर के छोर पर ख़त्म होता है। जहां समुद्र लगा हुआ है यहां हम इसलिए मान सकते हैं कि जब भी जहाज से विदेश यात्रा की जाती है तो वह समुद्र के रास्ते से होकर ही जाता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि समुद्र कहां से शुरू होता है और कहां ख़त्म। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है।
प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है, हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र के अंदर कई प्रकार के अजीबो गरीब विशालकाय जीव जंतु रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको नॉलेजबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।